हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वल टू -4x। इट इज गिवन दैट व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर एट t बराबर 0 और उस समय पार्टिकल कैसा है, रेस्ट में। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट में ए में दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, बी इज 4 मीटर पर सेकेंड, सी इज 9 मीटर पर सेकेंड और डी में है 16 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसको कैसे हम ट्रिकी मेथड से अप्रोच करें। सो ए आपको दिया गया है -4x, ए को लिख लीजिए वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -4x। तो वी डी वी इज इक्वल टू -4x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये दिया है x बराबर 3 मीटर पे पार्टिकल का स्पीड कैसे है, रेस्ट में, और किसी x पे हमने मान ली v। इसका इंटीग्रेशन आएगा v² / 2 इज इक्वल टू -4 को बाहर निकाल लेते हैं और ये होगा x² / 2, लिमिट है 3 to x। सो 2 2 जा 4, दिस कम्स आउट टू बी -2x² - 9, ये हो जाएगा। तो v² / 2 इज इक्वल टू दिस। सो v² इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो -4x² + 36, दिस विल बी 36। बेटा पूछा स्पीड मैक्सिमम है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। भाई जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो v² भी मैक्सिमम होगा, तो जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो v² भी मैक्सिमम होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dv² इसको मान लेते हैं हम, स्पीड मैक्सिमम होगी तो v² भी मैक्सिमम होगा, डिवाइडेड बाई dx, दिस विल इक्वल टू -8x। इसको 0 पुट कर देंगे, dv² / dx को क्या वैल्यू पुट करें, 0। जब 0 पुट करेंगे सो यहाँ से x भी 0 आ जाएगा। जब x 0 आ जाएगा तो यहाँ से v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v² कम्स आउट टू बी 36। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, 6। सो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द पार्टिकल, 6 मीटर पर सेकेंड। ओके आप समझ गए होंगे, इट कम्स आउट टू बी 6। ओके थैंक यू।